14 अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म करने के इम्कानात कम हैं, बचाव के लिए इकदाम कर रहे हैं। रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें वक्त पर देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। काबीना में उखाड़ पिछाड़ पर रद्दअमल देते हुए बोले, इमरान खान ने किसी को नहीं निकाला। ओहदों की तब्दीली हुई है। 25 अप्रैल को रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा कि कौन मुलव्वज था। जहांगीर तरीन और इमरान खान के ताल्लुकात में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई है। ये नहीं कहा जा सकता कि जहांगीर तरीन और इमरान खान में एकदम दूरी आ गई है। जहांगीर तरीन को पीटीआई से वाबस्ता रहने का मशवरा भी दे दिया। अभी तक तो हमने यही छुट्टी दी है जी, 13 तारीख तक, इतवार तक छुट्टी है इनकी, 12 तारीख तक छुट्टी दी है सबको। और जो 50 साल से ज्यादा हैं वो अपने इंचार्ज को दरख्वास्त देके, और तमाम मजदूरों को तनख्वाहें वक्त पे मिलेंगी, तमाम लोगों को पेंशन जो है वो वक्त पे मिलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स को निकाला गया है, लोगों को एडजस्ट किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट जिस वक्त इमरान खान ने ये जारी कर दी उसके बाद 25 तारीख, मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, मेरे ख्याल में रिपोर्ट और फॉरेंसिक को इकट्ठा होना चाहिए था। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि इस महीने के आखिर तक, और वो तारीख 25 ही हो जाती है, रमजान, पहला रमजान होगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी होगी और इस कोरोना का भी फैसला हो जाएगा कि इसने कितना ऊपर जाना है या कितना नीचे आना है। जहांगीर तरीन जो है वो पीटीआई की अहम शख्सियत थे और हैं भी। ये जो केस आया इसका फैसला 25 तारीख को होना है।